नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। 5 विधानसभा उपचुनाव बिहार में जो हुए उसके नतीजे आ गए और समस्तीपुर लोकसभा के भी उपचुनाव के नतीजे आ गए। इसमें जहां पर तेजस्वी यादव का कद बढ़ गया है, तो वहीं एनडीए में जो वाद विवाद चल रहा था उसका असर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या इस उपचुनाव को किस नज़रिए से देखना चाहेंगे आप। इस उपचुनाव में हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की पूरी तरह से हार हुई। नीतीश कुमार हारे हैं, उनकी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं। और दरौंधा की अगर बात कर ले तो वहाँ बागी कैंडिडेट जीता है, जो बीजेपी से बागी हुआ था। जदयू कैंडिडेट वहाँ पे हारे। तो ऐसे में जो 3 की 3 सीटें थी वो वहाँ से नीतीश कुमार के कैंडिडेट हार गए हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठने लगा है, क्या बीजेपी के लिए यह अच्छा मौका है? क्या अमित शाह ने जो बातें कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें अब कितना दम रह जाएगा? उपचुनाव के नतीजे तो हैरान करने वाले हैं। जदयू प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई है। और हम बाकायदा एक बार सीट के हिसाब से आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे यह हुआ है जो उपचुनाव हुए। बेलहर की हम बात करें तो गिरधारी यादव के भाई लालधारी यादव मैदान में थे, लेकिन आरजेडी के रामदेव यादव के हाथों वो पराजित हो गए। यहाँ भी जदयू क्लीन बोल्ड। सिमरी बख्तियारपुर में जफर आलम आरजेडी के जीते, यहाँ भी जदयू क्लीन बोल्ड। नाथनगर की बात कर लें तो नाथनगर में जो मार्जिन है वो इतना कम है कि इसे नीतीश कुमार की जीत तो हम मान ही नहीं सकते। 960 वोटों का महज अंतर रहा। राबिया खातून महज 960 वोटों से हारी हैं जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल से। तो ऐसे में यह बात गौर करने वाली है कि यहाँ भी नाथनगर में भी जनता ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट को नकारा है। सिमरी बख्तियारपुर में नकारा है, बेलहर में नकारा है, दरौंधा में भी। दरौंधा में जो अजय सिंह कविता सिंह के पति हैं, कविता सिंह अभी सिवान लोकसभा की एमपी बनी है 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन वहाँ पर देखिए कि खुद सुशील कुमार मोदी वहाँ पे गए थे बोलने के लिए कि जो भी बागी हो रहे हैं वो तुरंत समर्थन कर देना है, तो उनको पार्टी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, कई तरह की बातें हुई, कर भी दिया गया। लेकिन ब्यास सिंह उर्फ करणजीत सिंह जो बागी हुए थे वही जीतने में सफल रहे और दरौंधा की सीट पर अजय सिंह हार गए। जदयू यहाँ भी क्लीन बोल, जनता ने यहाँ भी इन्हें स्वीकार नहीं किया। और किशनगंज की अगर बात कर लें तो किशनगंज में तो खैर मामला ही पलट गया। यहाँ पर AIMIM की एंट्री हो गई, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई। वहाँ से कमरुल होदा विजयी हुए। वहाँ पर ना राजद कांग्रेस किसकी भी बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, कोई नहीं जीता। हम बात स्पेशली इस बात के लिए करें क्योंकि तेजस्वी यादव की बातें हम कर चुके हैं कि उनका कद बढ़ा है, उन पर जो दाग लग रहे थे कि लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया वो हार गए, पूरी पार्टी का बुरा हाल हुआ था, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने दम दिखाया। थोड़ी देर आए लेकिन दुरुस्त आए, चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे। इनके खिलाफ जो भी लोग खड़े हुए उनका लॉस तो उन्हें नाथनगर में जरूर हुआ, माझी के कैंडिडेट वहाँ नहीं होते। तो बाकी देखें तो जोरदार वापसी है तेजस्वी के नेतृत्व पर। अब महागठबंधन को भरोसा भी करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात भरोसा इस बात का भी करना पड़ेगा कि महागठबंधन का नेता भी जब स्वीकार करने वाला माहौल उनके लिए बन गया है। जो कांग्रेस कह रही थी कि नहीं तेजस्वी यादव को नहीं मानेंगे, माझी कह रहे थे कि नहीं मानेंगे, लेकिन यह जीत तय करता है क्योंकि माझी भी हार गए, मुकेश सहनी के भी कैंडिडेट वहाँ पर हार गए, दोनों के कैंडिडेट वहाँ हारे, कांग्रेस भी हार गई। तो अब बचा कौन? तेजस्वी, जो कम से कम 2 सीटें जीत कर यह साबित तो किया कि उन्होंने जहाँ चुनाव प्रचार किया, जहाँ उन्होंने कैंपेनिंग की, वहाँ पे असर हुआ, यानी तेजस्वी को लोग चाहते हैं। खैर, तो तेजस्वी की बात है, यह हम इससे पहले भी कर चुके हैं बात। अब बीजेपी और जदयू के बीच चल रहे दरार में या आग में घी का काम करने वाला माहौल बना है, क्योंकि आप गौर करिए, बेलहर में जदयू हार गई, सिमरी बख्तियारपुर में जदयू ख़त्म, दरौंधा में जदयू ख़त्म और नाथनगर में जनता, ये नाथनगर में जदयू जो है वो इसलिए जीत गई क्योंकि वहाँ पे अगर मांझी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो 960 वोटों का अंतर जो हुआ था वो शायद ना होता और वहाँ से राबिया खातून जीत कर सामने आ गई होती। तो अब आप सोचिए कि बीजेपी ने कहीं यह दिखाने के लिए तो यह उपचुनाव नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना शुरू किया कि आप लड़िए लेकिन आप हार जाएंगे,
अभी तो दरौंधा में बीजेपी के कैंडिडेट बागी होते हैं, जदयू को समर्थन देने के बावजूद भी जदयू के कैंडिडेट हार जाते हैं, यह साबित करने के लिए कि नीतीश कुमार बिहार में फेल हो रहे हैं। वो अपनी सीटें भी नहीं बचा सके, जो सीटिंग सीट थी वो नहीं बचा सके, तो ऐसे में आप 2020 का चुनाव कैसे लड़ेंगे, आपके नेतृत्व में आपको चेहरा कैसे मान लिया जाए। जो एक हमला रुका था अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद, गिरिराज सिंह समेत सीपी ठाकुर, सच्चिदानंद राय, संजय पासवान जैसे नेता जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे कि नीतीश कुमार ने 15 साल बहुत शासन कर लिया, उन्हें अब दिल्ली चले जाना चाहिए, तो अब ऐसे नेताओं को फिर से बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार एनडीए ने कमाल नहीं किया है उपचुनाव में। आप कह सकते हैं कि उपचुनाव में वोटर का मन अलग होता है, चुनाव में अलग होता है, लेकिन दिशा और दशा मुख्य चुनाव का यही तय करता है, यह बात समझना पड़ेगा। और नीतीश कुमार यहाँ फेलियर साबित हुए हैं, तो ऐसे में यह बिल्कुल जो लोग मुखर हो रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, उन्हें बल मिलेगा, वो फिर से बोलेंगे। गिरिराज सिंह का नाम जो बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में प्रबल तौर पर चलता है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किलें बढ़ेंगी, जदयू के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। यह सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार यहाँ पर फेलियर हुए, और क्यों दरौंधा में बागी होने के बावजूद बीजेपी के ही जो बागी कैंडिडेट थे वही जीते, और क्यों तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हुए, हार गए, उनकी पार्टी के लोग हारे। अब इस पर कई सारी बहस की बातें हो सकती हैं। जो खुलकर नीतीश कुमार का विरोध हो रहा था, या पटना में जलजमाव इसका कारण बना, पटना में जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी जलजमाव को लेकर के, उसके बाद नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हुए थे, उनके अफसरों पर सवाल खड़े हुए, और खुद एनडीए में किस शुरू हो गया था, एनडीए में कहा गया था कि गलती स्वीकार करनी चाहिए, तो इन सब का खामियाजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भुगते। बीजेपी बच निकली, उनकी छवि बच गई, और बीजेपी के लिए यह बल मिल गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई अब दम नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में 2020 का चुनाव उनके चेहरे पर नहीं, किसी नए चेहरे पर या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए बिहार विधानसभा का चुनाव। अब देखिए कि जदयू के ही मंत्री हैं बिहार सरकार में जय कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि जनता ने संकेत दिया, कैसा संकेत दिया है इसकी वो समीक्षा करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि यह तेजस्वी की जीत है लेकिन क्षणिक है, विधानसभा चुनाव में मुख्य चुनाव में नतीजे बदलेंगे, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को शुभकामनाएँ भी दी हैं। बीजेपी MLC मुन्ना पांडे सबसे पहले सामने, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस हार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, सबसे बड़ी बात उन्हें बीजेपी की तरफ से यह बयान। अब यह बयान रुकेगा नहीं, मुन्ना पांडे ने कहा है तब कई लोग बोलेंगे, और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। विपक्ष की बात हमने तो की है कि मनोज झा बोले हैं कि अब जो मुद्दे जरूरत के हैं वो वापस हो रहे हैं, जिस पे राजद को जीत मिली है और नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है। भाई वीरेंद्र बोले हैं कि अब विधानसभा चुनाव जब होगा तो जदयू का सफाया हो जाएगा, तो ऐसे में विपक्षी हमला तो तेज होगा ही, बीजेपी की तरफ से भी वार पलटवार का दौर एक बार फिर से बहुत तेज हो जाएगा, तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें होंगी, और यह देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार इन चीज़ों से कैसे उभरते हैं, और विधानसभा चुनाव में वो क्या सीट बराबरी का लेंगे या कम सीटें लेंगे, इस बात की पर नज़र सबको रहेगा। फिलहाल तो अभी समय है, मान लें तो करीब करीब साल भर का, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो चुका है, यह उपचुनाव यह बताता है कि कहीं ना कहीं जनता ने नीतीश कुमार को इस बार उपचुनाव में नापसंद किया है, और बीजेपी ने भी इसमें बैकडोर से यह कोशिश की है कि नीतीश कुमार चुनाव में जो है परफॉर्मेंस उनका गड़बड़ हो, ताकि बीजेपी को मौका मिल जाए दिखाने के लिए कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी होता, बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में होते, तो नतीजा कुछ और होता। तो विधानसभा चुनाव में इस पर सबकी नज़र रहेगी, क्या सच में नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए यह उपचुनाव एनडीए हार गया है, क्या बीजेपी के हिसाब से ये सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत जदयू लगातार सीटें हार जाए उपचुनाव में, ताकि बीजेपी यह कह सके कि आगामी चुनाव में बीजेपी को नेतृत्व मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को छोटा भाई बनना चाहिए, बीजेपी को बड़ा भाई बनना चाहिए। इस बात का इंतजार सबको रहेगा, आप भी देखते रहिएगा, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बिफोर प्रिंट .in के साथ। नमस्कार।